गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लाइक और अनलाइक एल्जेब्रिक टर्म्स पर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप सिक्स क्लास में पढ़ते हैं, सेवंथ क्लास में पढ़ते हैं या फिर टेंथ क्लास में ही क्यों ना पढ़ते हैं, यदि आपके लाइक और अनलाइक टर्म्स कमजोर रह गए, यानी ये टॉपिक आपका कमजोर रह गया, तो आपको आगे तक समस्या आती ही रहेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम आज इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि लाइक टर्म्स कौन से होते हैं, अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं और फिर हम उनका एडिशन कैसे करते हैं या फिर उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल लेकर के इनको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आप मार्केट जाते हैं, वहां से आप 2 किलो टमाटर और 3 किलो आलू लेकर के आते हैं। ठीक है, उनको आप घर पर ले आते हैं और आप अपनी मम्मी जी को अब दो तरीके से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। पहली बात कि आप कहेंगे कि मैं 2 किलो टमाटर और 3 किलो आलू लेकर के आया हूं। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि मैं 5 किलो आलू टमाटर लेकर के आया हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप सोचिए कि इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन ज्यादा सटीक है, पहली वाली या फिर दूसरी वाली। स्टूडेंट्स, इसमें से पहली वाली इंफॉर्मेशन ज्यादा सटीक है, जहां पर आपने 2 किलो टमाटर और 3 किलो आलू बोला, क्योंकि आपने आलू और टमाटर दोनों की क्वांटिटीज को अलग अलग सेपरेट सेपरेट करके बताया। लेकिन जो दूसरी वाली इंफॉर्मेशन थी, जहां पर आपने कहा कि मैं 5 किलो आलू टमाटर लेकर के आया हूं, ये इंफॉर्मेशन गलत है, क्योंकि आप पूरी तरीके से सामने वाले को नहीं बता सकते कि इनमें से कितने किलो टमाटर हैं और कितने किलो आलू हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी इन्फॉर्मेशन को हम बोर्ड पर लिखेंगे कि जब हम दो अलग अलग कैटेगरी की चीजों को जोड़ते हैं या दो अलग अलग कैटेगरी की चीजों को एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, तो हम सिर्फ जैसे 2 किलो टमाटर और 3 किलो आलू, ठीक है, तो जब हम दो अलग अलग कैटेगरी की चीजों को जोड़ते हैं तो आप उन्हें एक यूनिट नहीं बना सकते, एक यूनिट नहीं बना सकते, सिर्फ इतना लिख सकते हैं 2t + 3p। ठीक है, आप इसे 5pt नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम धीरे धीरे इस टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम x और y को ऐड करने की कोशिश करें, x और y को, तो सिक्स क्लास के, सेवंथ क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि जब वो x + y लिखेंगे तो इसे वो xy लिख देंगे। ठीक है, तो पहली वाली बात भी सही नहीं है और दूसरी वाली बात भी सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे 2x + 10y। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जैसे 2x + 10y, अब आप इनको लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए इसकी कैटेगरी अलग है और इसकी कैटेगरी अलग है, ये एक अलग वेरिएबल है और ये एक अलग वेरिएबल है। तो जब आप अलग अलग वेरिएबल्स को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली उनको आप एक यूनिट बना ही नहीं सकते, सिर्फ उनको उनके बीच में आप एक प्लस लगा करके ही डिनोट कर सकते हैं। तो 2x + 10y, तो क्या ये 12xy बनेगा? नहीं स्टूडेंट्स, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने लिखते हुए देखा है कि 2x + 10y = 12xy कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे तरफ बढ़ेंगे कि क्या आप 8xy और +12x²y, तो 12 और 8 20 x²y लिखेंगे या तो ज्यादातर स्टूडेंट्स, या फिर 20xy लिख देंगे। तो क्या इन दोनों को ऐड करके ये लिखा जा सकता है, बताइए? नहीं, ये नहीं लिखा जा सकता, ना तो आप ये लिख सकते और ना ही आप ये लिख सकते, इनमें से ये इसके बराबर है ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर xy है और यहां पर x²y है। तो स्टूडेंट्स, यहां से अब हम समझेंगे लाइक और अनलाइक एल्जेब्रिक टर्म्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे एल्जेब्रिक टर्म्स जो बिल्कुल सेम होते हैं, जिनमें वेरिएबल्स बिल्कुल सेम होते हैं, उन्हें तो हम लाइक टर्म्स बोलते हैं, और ऐसे एल्जेब्रिक टर्म्स जिनमें वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, मैच नहीं करते, उन्हें हम अनलाइक एल्जेब्रिक टर्म्स बोलते हैं। तो हम लाइक एल्जेब्रिक टर्म्स और अनलाइक एल्जेब्रिक टर्म्स के कुछ एग्जांपल यहां पर लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसे मिटाता हूं।
थोड़ी गर्मी हो रही है यहाँ पर, थोड़ा फैन नहीं चल रहा ना, इस वजह से। फैन चलता है तो फिर आवाज होती है। तो देखिए लाइक टर्म्स हम यहां पर लिखेंगे, लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि 12xy और इसी तरीके से 6xy, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। क्यों है लाइक टर्म्स, क्योंकि इनमें वेरिएबल्स सेम है। अब आप कहेंगे सर कांस्टेंट तो अलग अलग है, कांस्टेंट मतलब 12 और 6, ये दोनों नंबर तो अलग अलग है। स्टूडेंट्स हम लाइक टर्म्स को या फिर अनलाइक टर्म्स को चेक करते समय कांस्टेंट पर ध्यान नहीं देते, आपको सिर्फ वहां पर वेरिएबल्स चेक करने होते हैं। तो देखिए यहां पर ये एक्स वाई है और यहां पर भी एक्स वाई है, ठीक है, दोनों सेम है यानी वेरिएबल्स मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इनको लाइक टर्म्स कह सकते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या हम लाइक टर्म्स के, देखिए एक्स स्क्वायर वाई और कॉमा 5x2y, ये दोनों कैसे होंगे, ये भी लाइक टर्म्स होंगे। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर वाई जेड और दूसरा एक्स स्क्वायर जेड वाई, अब बताइए क्या ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे। देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर आ रहा है और इसमें भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसमें वाई आ रहा है, इसमें वी वाई आ रहा है, इसमें जेड आ रहा है, इसमें भी जेड आ रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि वाई जेड की जो प्लेस है वो चेंज है, ये दूसरे नंबर पर वाई है और यहां पर दूसरे नंबर पर जेड है, यहां पर तीसरे नंबर पर जेड है, यहां पर तीसरे नंबर पर वाई है, तो क्या ये लाइक टर्म्स होंगे। स्टूडेंट्स ये लाइक टर्म्स होंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर आप प्लेस चेंज कर दें, मल्टीप्लाई में अगर आप प्लेस चेंज कर दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप 3x4 लिखें या 4x3 लिखें, आंसर तो 12 ही आना है। तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर वाई जेड और ये एक्स स्क्वायर जेड वाई, ठीक है, लाइक टर्म्स ही होंगे। अब हम कुछ अनलाइक टर्म्स देखते हैं, ठीक है, अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कौन कौन से होंगे जरा देखिए, अगर हम एक्स स्क्वायर वाई लिखें और एक लिखें एक्स वाई, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें तो एक्स वाई है और यहां पर एक्स स्क्वायर वाई है, तो पावर का फर्क पड़ गया, यहां पर एक्स की पावर 2 है और यहां पर एक्स की पावर कितनी है 1, जहां पर कोई पावर नहीं होती वहां पर हम 1 लगा देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर वाई हो गया और ये एक्स वाई होगा। तो स्टूडेंट्स ये अनलाइक टर्म्स होंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैं और भी एग्जाम्पल दे सकता हूं कि 3x2yz और 4x2y, अब बताइए क्या ये लाइक टर्म्स होंगे या फिर अनलाइक टर्म्स होंगे, ये तो अनलाइक हो गए, ये बताइए कैसे होंगे। वैसे तो हम एग्जाम्पल ही अनलाइक टर्म्स के दे रहे हैं तो ऑब्वियसली अनलाइक टर्म्स होंगे, लेकिन पहचान भी तो हमें होनी चाहिए। देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, यहां पर वाई है, यहां पर वाई है, इसमें जेड है और इसमें जेड नहीं है, तो स्टूडेंट्स आप इनको भी अनलाइक टर्म्स ही कहेंगे। तो हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में एक चीज तो समझ लें कि जब वेरिएबल्स दोनों में सेम मैच करें, जितने वेरिएबल्स इसमें होंगे इतने ही वेरिएबल्स इसमें होंगे, तो पक्का ये लाइक टर्म्स होंगे। हाँ प्लेस चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, यानी 4xy लिख दीजिए आप या फिर 4yx लिख दीजिए, दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। बेशक ऐसा हो सकता है कि वहां पर वेरिएबल्स के साइन चेंज हो जाए, साइन चेंज होने का मतलब है जैसे मैंने अभी एक दो एग्जाम्पल बताए थे, यहां पर जैसे एक्स स्क्वायर वाई जेड और यहां पर एक्स स्क्वायर जेड वाई है, तो इसमें वाई जेड लिख रहा है और यहां पर जेड वाई लिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल्स सेम होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स कह लीजिए आपके, इसमें एक्स स्क्वायर है तो इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें वाई है तो इसमें ही वाई है और इसमें जेड है तो इसमें, बिल्कुल मैच करने चाहिए, उनकी पावर से मैच करनी चाहिए, तो आप इन्हें लाइक टर्म्स कहेंगे। स्टूडेंट्स ये तो हो गया लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में जानकारी कि हम उनकी पहचान कैसे करेंगे। अब हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को का एडिशन और सबट्रैक्शन देखेंगे कि इनको हम ऐड कैसे कर सकते हैं और इनको हम माइनस कैसे कर सकते हैं। तो कुछ खास नहीं है, अगर दोनों की कैटेगरी सेम है यानी दोनों लाइक टर्म्स हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही ऐड हो जाते हैं जैसे कि हम सिंपल नंबर्स को ऐड करते हैं, यानी जैसे अगर हम 4+6 करें तो 10 हो जाएगा, इसी तरीके से हम लाइक टर्म्स 4x और +10x करें तो वो कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सिंपल है। तो देखिए जरा मैं इसे मिटा लेता हूं और अब हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर आपसे ये कहा जाए कि आप 6x2y और 10x2y को ऐड कीजिए, अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि लाइक टर्म्स है या फिर अनलाइक टर्म्स है। देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर वाई है
इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई है, तो दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल नंबरों की तरह, जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं इसी तरीके से ये ऐड हो जाएंगे। जैसे 6x² y और 14x² y, अब बताइए कितना बन जाएगा। यहां पर 10 है और यहां पर 6 है, नंबर्स को ही जोड़ दीजिए, जो कॉन्स्टेंट्स है उन्हीं को जोड़ दीजिए आप, यानी 10 और 6 16 यानी 16, और ये हो जाएगा x² y। इसी तरीके से 9x² yz और दूसरा लें हम 6x² zy, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं। तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर, इसमें वाई जेड है तो इसमें ही वाई जेड है, बस वो प्लेस चेंज हो रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15x² zy, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। तो लाइक टर्म्स को आप सिंपल, आप उनके कॉन्स्टेंट्स को पकड़ लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, पीछे वही लाइक टर्म्स को लगा दीजिए। जैसे 7x² z और प्लस 8x² z, दोनों अगर लाइक टर्म है, देखो ये भी लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो आप इनके कॉन्स्टेंट को उठा लीजिए, 8 और 7 15, पीछे वही लगा दीजिए x² z, क्योंकि ये चीज और ये चीज तो सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लाइक टर्म्स का जो एडिशन है वो सिंपल नंबर्स की तरह होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम अनलाइक टर्म्स का एडिशन देखेंगे वो कैसे होगा। अनलाइक टर्म्स का एडिशन करते समय बीच में सिर्फ आप प्लस का साइन लगा सकते हैं, उससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे देखिए अगर मैं x² y और x इन दोनों को ऐड करना चाहूं तो बस इतना कर सकता हूं कि x + x² y, बस इतना कर सकता हूं। इसे अब मैं एक यूनिट नहीं बना सकता, इनको मैं एक नंबर नहीं बना सकता, क्योंकि इनकी कैटेगरी अलग अलग हो गई, ये वेरिएबल्स अलग अलग हो गए, ये अनलाइक टर्म्स हैं। कैसे, ये x है और ये x² y है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी ये बातें समझ आई होंगी। हाँ, हम इसमें इतना जरूर कर सकते हैं कि इसमें से x को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर क्या बचेगा 1 और यहां पर क्या बचेगा x y, बस इतना कर सकते हैं कि अगर कोई चीज कॉमन आ रही है यानी दोनों में है, उसे हम बाहर खींच सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर खींच सकते हैं और ब्रैकेट लगा सकते हैं। और देख लीजिए कि अगर आपसे x² yz और yz इन दोनों को ऐड करने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले देखिए लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं। स्टूडेंट से अनलाइक टर्म्स हैं, तो देखिए इनको ऐड कैसे करेंगे आप, x² yz और प्लस yz, बस इतना कर सकते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा और इसमें क्या करेंगे कि आप इसमें से अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब yz को हम कॉमन निकालेंगे क्योंकि तो इसमें भी yz है और इसमें भी yz है, और अंदर क्या बचा x² और प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम अनलाइक टर्म्स का एडिशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आगे होंगे कि लाइक टर्म्स कौन से होते हैं, अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं। लाइक टर्म्स जब दोनों दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जब वेरिएबल सेम हो, जैसे कि यहां पर x² y और यहां पर भी x² y है, तो आप इनको लाइक एलजेब्रिक टर्म्स कहेंगे। और इनको क्योंकि जब दोनों मैच नहीं करते, यहां पर x और यहां पर x² y है, यहां पर और यहां पर के जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग हैं, तो आप इनको अनलाइक एलजेब्रिक टर्म्स कहेंगे स्टूडेंट्स। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, इनका सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल लाइक टर्म्स का, इसे मैं मिटाया देता हूं और अब हम सब्ट्रैक्शन को समझेंगे, यानी आप एक लाइक टर्म में से दूसरे लाइक टर्म को माइनस कैसे करेंगे, सिंपल नंबर्स की तरह। जैसे आप नंबर्स को प्लस या माइनस करते हैं ना, ऐसे ही लाइक टर्म्स को प्लस तो सीख ही जाए आप, माइनस कर सकते हैं। कैसे, जैसे 10xy और -6xy, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स। देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इसमें भी xy आ रहा है और इसमें भी xy आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या काम करेंगे, सीधा सीधा इसे नंबर्स की तरह, यानी 10 में से 6 को माइनस करो 4 आ गया और पीछे लगा दीजिए xy। इसी तरीके से 8x² और y² -3x² y². सबसे पहले देखिए कि ये लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं। आप देखिए कि ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं,
तो जैसे आप नंबर्स को प्लस माइनस करते हैं, तो प्लस तो आपने सीख ही लिए हैं, माइनस आप सीख रहे हैं, तो देखिए 8 में से 3 को माइनस कर दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 5x2y2। तो सिंपल नंबर्स की तरह इनका माइनस करते हैं। और अगर अनलाइक टर्म्स हो तो जैसे कि 8x2y और दूसरा होगा 3x। अब अगर इन दोनों को माइनस करना हो तो आप क्या काम करेंगे, 8x2y और -3x, सिर्फ इतना करके इसे छोड़ देंगे। अब आप इससे जैसे कि हमने यहां पर माइनस करके एक यूनिट बना दिए, आप इसको एक यूनिट नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। हाँ, इतना हो सकता है कि आप इसमें से कुछ कॉमन ले लें, ठीक है। तो क्या कॉमन आ सकता है देखिए जरा, यहां से सिर्फ एक्स कॉमन आ सकता है। जब आप इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहां पर कितना बचेगा, 8xy और यहां पर बचेगा -3। बस ये है इनका सबट्रैक्शन। तो लाइक टर्म्स हमने पढ़े, अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं वो हमने देखे, इनका एडिशन देखा, इनका सबट्रैक्शन देखा। आशा करता हूं कि इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, मैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पर इनके मल्टीप्लीकेशन पर डिस्कस करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं हम कि इनकी मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो वैसे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की मल्टीप्लाई सिंपल है, वहां पर कोई मैटर नहीं करता कि कौन सा लाइक है और कौन सा अनलाइक है, ठीक है। तो अब तो हम यहां पर बस ये कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक टर्म्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए 6x2y और दूसरा है 10x2yz, इनके हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करते समय कोई मैटर नहीं करता कि कौन सा लाइक है कौन सा अनलाइक है, दोनों की मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं और आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं होती है कौन सा लाइक है और कौन सा अनलाइक है, ठीक है। तो अब अगर आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो आप कैसे करेंगे, 6x2y मल्टीप्लाई 10x2yz, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करते समय इतना ध्यान रखिए आप कि सेम कैटेगरी के वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई होगी। जैसे 6 की मल्टीप्लाई तो होगी 10 में, क्योंकि कॉन्स्टेंट ही कॉन्स्टेंट में हो सकती है। x की मल्टीप्लाई होगी, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी x स्क्वायर में, यानी x की x से मल्टीप्लाई हो सकती है, क्योंकि ये वेरिएबल x है और ये भी वेरिएबल x है, तो x की x से मल्टीप्लाई होगी। यहां y है और यहां y है, y की y में मल्टीप्लाई होगी। z, इधर z नहीं है, इधर z है, तो z को अकेला ही रख देंगे हम, ठीक है। तो 6 में 10 में आप 6 की मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको जाएगा 60 और ये हो जाएगा x की पावर 4 और ये हो जाएगा y की पावर 2 और z अकेला ही रखा रहेगा, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि x की पावर 4 कैसे बन गया, देखिए मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, यानी बेस सेम हो तो, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहां पर भी एक्स स्क्वायर है और यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, तो सेम बेस है, बेस में क्या, ये एक्स है और ये भी एक्स है, तो इसकी पावर यानी 2 और 2 4 हो जाएगी। यहां पर y की पावर 1 है और यहां पर y की पावर 1 है, तो y की पावर 2 हो जाएगी। यहां z अकेला है तो सेम उधर जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। और देखिए मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, और देखें कोई एग्जांपल, जैसे 8x2y2z2, इसी तरीके से 9x2y3z है। अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है स्टूडेंट्स, तो आप क्या काम करेंगे, इन दोनों के पीछे मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, 8x2y2z2 मल्टीप्लाई 9x2y3z, कितना क्या करना है आपको। अब आपको कांस्टेंट में तो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाले वेरिएबल में एक्स वाले वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दीजिए, जेड वेरिएबल में जेड की कर दीजिए और वाई वेरिएबल में वाई की मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये हम जानते हैं मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर एड हो जाती है। तो देखिए 9 8 72, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4, यानी मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है अगर बेस सेम हो तो। तो यहां पर भी एक्स था, यहां पर भी एक्स था, अब ये वाई स्क्वायर है और ये वाई की पावर 3 है, तो यहां पर कितना बन जाएगा, वाई की पावर 5, और ये जेड स्क्वायर है और ये जेड है, तो यहां कितना बन जाएगा, जेड की पावर 3, यानी मल्टीप्लाई में पावर एड हो जाती है। आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना और बहुत ही आसान है एल्जेब्रिक टर्म्स की मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो
तो ये एल्जेब्रिक टर्म्स की मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब इसमें आप ये मत सोचिए कौन सा लाइक टर्म्स होगा कौन सा अनलाइक टर्म्स होगा, ये तो आप मल्टीप्लाई करते टाइम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से एल्जेब्रिक टर्म्स की मल्टीप्लाई करते टाइम आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कौन सा लाइक है कौन सा अनलाइक है। हाँ, प्लस और माइनस करते टाइम ये सोचने की जरूरत होती है कि अगर लाइक टर्म्स हैं वो दोनों तो मिलकर के एक यूनिट बन जाएंगे, और अनलाइक टर्म्स हैं तो बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा रहेगा, बस इतना हो सकता है कि वहां से कोई चीज कॉमन आ जाए, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे डिवीजन की, यानी एल्जेब्रिक टर्म्स का डिवीजन किस तरीके से किया जाता है, यानी भाग कैसे दिया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है। तो डिवाइड में स्टूडेंट्स पावर माइनस हो जाती है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, यानी ज्यादा वाली पावर में से कम वाली पावर माइनस कर देंगे सिर्फ, अगर बेस सेम है तो। कैसे कि 6x2yz को आपको डिवाइड करना है एक्स वाई से, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, x2 6x2yz को तो रखिए ऊपर और नीचे रख लीजिए एक्स वाई को, x से तो x कट जाएगा और y से y। अब देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर था और नीचे x था, तो ऊपर कितना x का भी कितना हो जाएगा, x की पावर 1 बचेगी, क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, ऊपर x की पावर 2 थी और नीचे x की पावर 1 थी, ठीक है। इसलिए दो में से एक पावर माइनस हो जाएगी तो ऊपर अभी भी एक x बचा रह जाएगा, यहां पर y था y की पावर 1 थी और यहां पर y की पावर 1 थी, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, वन में से वन यानी इसकी एक पावर में से इसकी एक पावर माइनस होगी तो जीरो, या फिर आप इसे सीधा सीधा काट सकते हो। तो यहां पर कितना जाएगा 6xz, और डिवाइड करके देखें मान लीजिए 5x³ और y की पावर 5, इसको आपको डिवाइड करना है एक्स वाई से, तो देखिए 5 तो सेम आ जाएगा, ऊपर x की पावर 3 है और नीचे x की पावर 1 है, और हम जानते हैं डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो 3 में से x की पावर 1 को हम माइनस करेंगे तो ऊपर कितना बच जाएगा, x की पावर 2 बच जाएगा स्टूडेंट, तो यहां पर हम x की पावर 2 लिख देंगे। और देखिए ये y की पावर 5 है और यहां पर y की पावर 1 है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो यहां पर कितनी बच जाएगी, वाई की पावर 4, तो इतना आंसर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए इसे बता देता हूं, मान लीजिए कि 8x²y / y³ 4y³ लिख देते हैं। अब देखिए कितना आंसर आप इसका लेकर आएंगे, किस तरीके से कट करेंगे, देखिए ये 4 से कट हो रहा है, 4 × 2 = 8, 2 times, ठीक है। अब ऊपर है y की पावर 1 और नीचे है y की पावर 3, हम जानते हैं डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए y की पावर 1 और y की पावर 3, तो 3 में से एक पावर माइनस करते हैं तो नीचे कितनी हो जाएगी, y की पावर 2, तो ऊपर तो हो जाएगा 2x² और नीचे हो जाएगा y की पावर 2, तो कुछ इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक जो आज हमने समझाने की कोशिश की है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।